हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की साइंस सब्जेक्ट की एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, देखते हैं समेटिव असेसमेंट चैप्टर फर्स्ट का। फर्स्ट ए में दिया हुआ है टिक द राइट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ए सनफ्लावर टर्न टुवर्ड द सनफ्लावर किस के तरफ टर्न होता है, मून के तरफ, स्टार के तरफ या सन के तरफ। तो इसमें ऑप्शन सही है सन, तो यहाँ सन के सामने टिक लगाएंगे और यहाँ भरेंगे सन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ द सनलाइट वाटर एयर एंड सॉइल फॉर मेकिंग देयर ऑन फूड, किसका यूज करके कौन सी ऐसी चीज़ है जो भोजन बना लेते हैं। तो बताया गया होगा कि प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे प्लांट्स और प्लांट्स के सामने यहाँ पे टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर, प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट को किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, स्टेम के द्वारा, फ्लावर के द्वारा या रूट के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन है रूट्स, यहाँ पे रूट्स के सामने टिक करेंगे और यहाँ पे भर देंगे रूट्स। फोर्थ क्वेश्चन, ए ग्रो इनटू प्लांट, किससे ग्रो करके प्लांट बनता है, तो सीड से, सीड जो है वो ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट होता है। फिफ्थ, ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स हैव ए, ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स ब्रीथिंग करते हैं किसके द्वारा, नोज के द्वारा, यहाँ पे भरेंगे नोज और नोज के सामने यहाँ पे टिक कर देंगे। बी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए। एनर्जी इज नीडेड इन ऑर्डर टू फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, एनर्जी की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकंड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फूड एंड, यहाँ पे भरेंगे सनलाइट टू ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फूड एंड सनलाइट, सभी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है वाटर की, फूड की और सनलाइट की ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स का जो ब्रीथिंग पार्ट होता है वो है स्टोमेटा, इसके द्वारा वो ब्रीथ करता है और ये होता है लीव्स में। फोर्थ क्वेश्चन, द यहाँ पे खाली जगह है, पेटल्स भरेंगे। ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन है ईच मॉर्निंग व्हेन द फेस सनलाइट, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पत्तियाँ जो है वो खुल जाती हैं सूर्य के प्रकाश के तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट फाउंड इन, ये गलत हो गया, इसके आप थोड़ा सा पहले होना चाहिए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर भरेंगे यहाँ पे, मानव निर्मित जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं। सी वाले में कह रहा है कि टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो सही है उसके सामने टिक करना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने क्रॉस कर देना है। फर्स्ट, सम ऑफ थिंग्स आर मैन मेड एंड अदर आर नेचुरल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैन मेड होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टिक करेंगे यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है इसमें ऐसे टिक कर देंगे। ऑल लिविंग थिंग्स शो मोमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर, सभी लिविंग थिंग्स में किसी ना किसी तरह का मोमेंट होता है, ये भी ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। थर्ड कह रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाई हैविंग द राइट कंडीशंस, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो राइट कंडीशन मिलने पर ग्रो करते हैं, जैसा कि बताया गया है आपको, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, उनको भोजन नहीं चाहिए, ब्रीथिंग नहीं करते हैं, तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। फोर्थ, डिफरेंट फैमिली ऑफ लिविंग थिंग्स हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, सभी फैमिली की अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है, ये सही है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि रॉन्ग स्टेटमेंट केवल थर्ड है। क्वेश्चन आंसर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स किसको कहेंगे, लिविंग थिंग्स क्या होता है, आंसर इसका यहाँ पे है, ए लिविंग थिंग्स
इज वन दैट हैज लाइफ इन इट, लिविंग थिंग्स मूव ग्रो इट फील ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स कैसे मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू द अदर बाई वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं वॉकिंग के द्वारा, फ्लाइंग के द्वारा और स्विमिंग के द्वारा। तो यहाँ पे दे को हटाइएगा और लिविंग थिंग्स कर दीजिएगा। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू द अदर बाई वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं, बढ़ते कैसे हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्रोथ कैसे होती है, इसको देखिए। यहाँ पे लिविंग थिंग्स ग्रो बाई हैविंग द राइट कंडीशन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, फूड एंड सनलाइट टू ग्रो। इनको चाहिए वाटर, फूड, सनलाइट, अगर इनको मिल रहा है तो सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनके लिए राइट कंडीशन जो भी हो उनको मिलना चाहिए, सबके लिए राइट कंडीशन अलग अलग होती है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनानी है और उसको लिखना भी है, तो ये फिगर आप लोग ड्रा करेंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये फिगर ड्रा करना है और फिगर ड्रा करने के बाद उसके नीचे लिखेंगे यहाँ से, मॉस्किटो इज हैच इनटू लार्वा, लार्वा ग्रो इनटू पपई एंड फाइनली यहाँ तक, मॉस्किटो तक, यहाँ तक लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट थ्री एग्जाम्पल ईच ऑफ नेचुरल एंड माइंड मेड थिंग्स, थ्री एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड माइंड मेड थिंग्स, थ्री नेचुरल थिंग्स का नाम लिखना है और थ्री माइंड मेड थिंग्स का नाम लिखना है। तो इसको तो आप लोग कर ही सकते हैं, यहाँ पे देखिए नेचुरल लिखा है और यहाँ पर माइंड मेड, ये माइंड मेड है, बस है, खिलौना है, बुक है, ये माइंड मेड है। नेचुरल थिंग्स में मून है, सन है, माउंटेन्स है, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। तो इससे आप लोग कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद से आ रहा है रीजनिंग टाइम्स, रीजनिंग टाइम्स आपको खुद ही करना है। व्हाई टू द डोर्स एंड विंडो एक्सपेंड ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक्सपेंड इट, बारिश के दिनों में दरवाज़ा जो है वो फैल जाता है, ऐसा कैसे होता है, देखते होंगे कि बारिश के सीजन में दरवाज़ा बंद करें तो बंद नहीं होता है, उसका रीजन लिखना है। सेकेंड, विच ऑर्गेन्स हेल्प यूज इन फीलिंग द थिंग्स अराउंड अस, कौन सा ऐसा ऑर्गेन्स है हमारे बॉडी में जो हेल्प करता है अपने चारों तरफ के परिवेश के बारे में, हमें फीलिंग कराता है, अनुभव कराता है, मौसम ठंडा है, गर्म है, कोई टच कर रहा है या क्या है, इसकी फीलिंग हमें कैसे होती है, इसके बारे में लिखना है, कौन सा ऑर्गेन्स वर्क करता है। ये एक्टिविटी है, इसको पढ़िएगा और एक्टिविटी को कंप्लीट करिएगा। ओके, लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, एक्टिविटी आप लोग अपने मन से पढ़ के समझ के पूरा करिए, कॉपी और बुक दोनों कंप्लीट कीजिए।